हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन मार्स के मेकअप ब्रशेस का रिव्यू। यस, ये सेट ऑफ 6 मेकअप ब्रशेस आते हैं एंड इन्हें यूज़ करते करते मुझे 1 साल हो गया। मैंने इन्हें परचेज करा था 19th August को 2022 में और अभी August 2023 चल रहा है, तो इन ब्रशेज़ को यूज़ करते हुए पूरा 1 साल हो चुका है मुझे। एंड आई थिंक इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद इट्स द करेक्ट टाइम टू रिव्यू इट विद यू ऑल। सो अगर आप जानना चाहते हो इन ब्रशेज़ का रिव्यू, और वो भी मैंने 1 साल तक यूज़ करा है, उसके बाद ही मैं शेयर कर रही हूँ, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो गाइज़, ये ना पैक ऑफ 6 में आते हैं ये ब्रशेज़। तो आपको इधर पे 3 फेस ब्रशेज मिलते हैं कुछ इस टाइप से, और इधर पे आपको 3 आई ब्रशेज मिलते हैं कुछ इस टाइप से। तो इस तरीके से ये पैक ऑफ 6 में आते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मैंने जब इसे लिया था तब ये मुझे 799 रुपीज़ के मिले थे 6 ब्रशेज़, विच मीन्स 800 रुपीज़ के मुझे ये 6 ब्रशेज़ मिले थे। बट अभी अगर इनकी प्राइस की बात करें तो अभी इनकी प्राइस हो चुकी 899 रुपीज़। आपको ये ब्रश सेट मिलेगा 900 रुपीज़। सो यस, अभी इसका 100 रुपीज़ प्राइस बढ़ चुका है, आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न, बट यस अभी प्राइस बढ़ चुका है। अब अगर इसकी पैकिंग की बात करें, सो गाइज, ये एक आउटर पैकेजिंग में आते हैं ये ब्रशेज, बट वो आउटर पैकेजिंग मुझे टेम्पर्ड रिसीव हुई थी। वैसे भी उसमें ब्रशेज काफ़ी टाइम तक नहीं टिक पाते हैं, तो वो मैंने पहले ही बहुत पहले डिस्कार्ड कर दिया था। आई थिंक जब ये ब्रशेज आए थे उसके 5-6 दिन के अंदर अंदर ही इसकी आउटर पैकेजिंग को मैंने फेंक दिया था, क्योंकि वो किसी भी मेरे काम नहीं आ रही थी। तो अगर मैं इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करूँ, सो आउटर पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है कि मतलब उसमें आप अपने ब्रशेज स्टोर करके रख सको, तो वो चीज़ एक मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ब्रशेज़ थोड़े से कॉस्टली हैं नो डाउट, तो एक आउटर पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए जिसमें ये ब्रशेज़ अच्छे से सेफली प्रोटेक्टेड रहें। बिकॉज़ अगर ब्रशेज़ को आप ऐसे ही कहीं पे भी रख दोगे तो यार ईजिली डस्ट कैच कर लेते हैं, ये हम सबको पता ही। अब अगर हम ब्रशेज़ की क्वालिटी की बात करें, कि क्वालिटी इनकी कैसी है, तो गाइज आई मस्ट से द क्वालिटी इज़ सुपर्ब, सुपर्ब। अगर हम इंडिविजुअल ब्रश की कॉस्ट देखें तो इंडिविजुअल ब्रश अराउंड आपको 133 रुपीज़ का पड़ रहा है, विच इज़ स्लाइटली महंगा है, बट गाइज क्वालिटी उस हिसाब से बहुत ही अच्छी है, एक हाई एंड ब्रशेज़ की तरह इसकी क्वालिटी है। 1 साल से यूज़ करती आ रही हूँ, तो आप सोच समझ ही सकते हो मैंने कितनी बार इन ब्रशेज़ को वॉश करा होगा। बहुत बार वॉश करा है, बट आज तक कभी मुझे इसमें से हेयर फॉल का इशू नहीं मिला है, इसके हेयर शेड्स नहीं होते हैं, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। प्लस जो हैंडल की क्वालिटी है, ओ माई गॉड, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज आपने देखा होगा, अगर आप मोस्टली सस्ते से ब्रशेज़ लेते हो जिनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो आफ्टर सेवरल टाइम्स ऑफ वॉशिंग इट इसका जो ग्लू है वो निकलने लगता है, देन ब्रश अलग ही निकल जाता है, कहीं ब्रिसल्स अलग ही निकल जाते हैं, प्लस ब्रिसल्स शेड ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका ग्लू काफ़ी अच्छा है, प्लस जो इसकी बिल्ट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी भी लगते हैं, गोल्डन कलर के काफ़ी क्लासी लगते हैं। सो ओवरऑल इसकी क्वालिटी गाइज बहुत ही अच्छी, कितनी बार मैंने यार वॉश करे हुए हैं ब्रश, और काफ़ी अच्छे से वॉश करे हैं, बट स्टिल कभी भी इसमें से हेयर शेड नहीं हुए, ना ही इसका हैंडल बेकार सा है। हैंडल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही स्टर्डी है, बिकॉज बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हैंडल ऐसे ही टूट के गिर जाते हैं, तो इसके साथ वैसी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। क्वालिटी के लिए तो मैं यूज थम्स अप दूंगी इन मार्स के ब्रशेज़ को। तो गाइज़ अब आप जान ही चुके हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से बहुत 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 ही अच्छी क्वालिटी है। अब वन बाय वन हम एक एक ब्रश की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ब्रश आपको इसमें कुछ इस तरीके से मिलता है, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा एंगुलर है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लफी, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से, बहुत ही फ्लफी है। तो इसको आप दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट, यू कैन यूज़ इट टू अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है इससे, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है, तो ये आपके पूरे फेस में अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर लग जाता है। मुझे जब भी अपने फेस पे पाउडर लगाना होता है कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। एंड सेकेंडली, आप इसे एज ब्लश यूज़ कर सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं इसमें ब्लश लगा हुआ है, सो ये ब्लश को भी काफ़ी ईजिली आपके चीक्स पर लगाता है, क्योंकि ये थोड़ा फ्लफी टाइप का है ना, तो ये एक जगह ब्रश को डिपॉजिट नहीं करता। अदरवाइज अगर आप कोई और ब्रश यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप ये ब्रश यूज़ कर रहे हो या फिर ये यूज़ कर रहे हो, तो वो ब्लश एक ही जगह पे लग जाएगा। बट अगर आप ऐसे टाइप से इस टाइप का ब्रश यूज़ करोगे और ब्लश लगाओगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ईवन होता है, बहुत ही अच्छी फिनिश आती है। सो इसको आप इन दो वेज में यूज़ कर सकते हो। देन सेकेंड, आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का फ्लैट ब्रश, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंस है, आप देख सकते हो, ये फ्लफी नहीं है, ये डेंस है। तो इसे आप कह सकते हो फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश, या फिर आप इसे कह सकते हो फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। तो इससे आप इजीली अपने बेस में कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, वेदर इट्स कंसीलर और फाउंडेशन, उसको आप इजीली इसकी हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। बहुत से ब्रशेज ऐसे होते हैं कि ब्लेंड करने के बाद स्ट्रोक्स देखते हैं, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजिली ये प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देता है, प्लस कुछ भी स्ट्रोक्स नहीं देखते। चाहे आप इसे ड्रैग करके ब्लेंड करो, चाहे आप इसे डैब करके ब्लेंड करो,
बहुत अच्छे से इससे ब्लेंडिंग हो जाती है, और मैं तो इससे ही हमेशा यूज़ करती हूँ, और मैं कंसीलर क्लिप भी इसे यूज़ कर लेती हूँ। ऑल दो कंसीलर क्लिप आपको डिफरेंट यूज़ करना चाहिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और जब आप मेकअप कर रहे हो तो आप इतना ज़्यादा आपके ध्यान में नहीं रहता है, जहन में नहीं रहता है जब आप जल्दी जल्दी में होते हो, तो मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है। देन जो थर्ड ब्रश है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो इसका जो टॉप है ना वो थोड़ा डोम शेप में है और थोड़ा टेपर्ड है कुछ इस तरीके से। तो इसको आप किस लिए यूज़ कर सकते हो, इसको आप अपनी अंडर आइज सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक लूज़ पाउडर लेके अंडर आइज वगैरह सेट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये टेपर्ड है तो ये ईजिली आपके अंडर आइज को अच्छे से सेट कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थ्री ब्रशेज जो कि हमारे आई ब्रशेज हैं। तो सबसे पहले आपको ये ब्रश मिलता है इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है एंड दिस इज़ क्वाइट बिग इन साइज़। तो इसको आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसको आप अपनी क्रीज बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो इस ब्रश को। इससे बहुत ही ईजिली क्रीज बिल्ड हो जाएगी, प्लस ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है तो आपको जहाँ कहीं भी ब्लेंडिंग करनी है आप इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक समटाइम्स हमें क्रीज में भी ब्लेंडिंग करनी होती है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। जो सेकेंड वाला आई ब्रश है वो भी एक ब्लेंडिंग ब्रश है, बट ये इसकी तरह फ्लफी नहीं है, आप देख सकते हो। और ये वाला इज़ वेरी बिग इन साइज़, वेयर एज दिस इज़ स्मॉल इन साइज़, और ये उतना फ्लफी नहीं है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी आउटर कॉर्नर्स को ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको कुछ प्रोडक्ट प्लेस करना है तो वो भी आप इससे ईजिली कर सकते हो। सो ये भी एक ब्लेंडिंग ब्रश है, एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश और एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश तो होना ही होना चाहिए आपके पास अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास कुछ इस तरीके का फ्लैट ब्रश मिल जाता है ना, इसको आप दो तीन वेज़ में यूज़ कर सकते हो। फर्स्टली आप इसे अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक इधर पे भी हम कलर प्लेस करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। सेकेंडली अगर आप कट क्रीज कर रहे हो तो आप इसको कंसीलर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। सिंस ये फ्लैट है तो फ्लैट वाले सारे काम इससे हो जाएंगे। अगर आपको कंसीलर इधर अंडर आइज में भी लगाना है, लाइक प्लेसमेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ओवरऑल तो यार ये ब्रश सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे इनको यूज़ करते करते। तो आई टोटली लव दीज, एंड इनकी क्वालिटी भी टॉप नॉच है, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड दैट्स इट गाइज, आज के रिव्यू के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।